गुड इवनिंग, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो आज है ना, मैं शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पर बन रहा है शाम का खाना, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आज मैं शाम से ही ब्लॉग स्टार्ट करूँ, तो शाम का जो भी मेरा रूटीन रहता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी है ना, शाम का बस एक ही चीज़ हुआ है, चाय वाय पी के यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। तो चलिए आप लोग देख। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि शाम को जो भी काम होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अभी खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पर फूलगोभी और सिम फली और आलू की एक सब्जी बनाऊंगी, जो कि मम्मी और मैं, हम लोगों के लिए स्पेशल। तो मम्मी और मैं ना हमेशा ऐसे ही सब्जियाँ खाते हैं और ऐसे ही बना के खाते हैं, जो भी चावल के साथ। तो सबका अलग अलग टेस्ट होता है। और यहाँ पे पापा के लिए और भैया के लिए बन रहा है रोटी। वो लोग रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं, मम्मी और मैं चावल ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर सब्जी तो मैंने चढ़ा दी थी और सब्जी में मैंने पानी भी डाल दिया है। तो सब्जी के लिए एक टमाटर काट रही हूँ यहाँ पर मैं। और सच बोलूँ तो काम कभी भी ख़त्म नहीं होता है। अभी शाम से मैं स्टार्ट हुई हूँ और रात तक मुझे काम ही करना है। आज का जो शाम का ब्लॉग है ना, बहुत ही मतलब ज़्यादा बिजी था। तो देखिए, यहाँ पर अभी सबसे पहले तो खाना बनाऊंगी और बहुत सारा काम बाकी है। शाम को भी क्या क्या काम करती हूँ और रात तक क्या क्या करती हूँ, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर है ना, सबसे पहले अभी मैं आटा गूंद के रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, सुबह बोलो या शाम, दोनों टाइम ही हाउसवाइफ को बहुत सारा काम रहता है। मतलब सब लोगों की काम ख़त्म हो जाएगी, पर है ना, हाउसवाइफ का काम है ना, रात भी करोगे, पूरी रात भी करोगे तो भी ख़त्म नहीं होने वाली, मुझे ऐसा लगता है। कुछ ना कुछ छूट ही जाता है और वो हम लोग अगले दिन के लिए रख देते हैं। और ना सुबह बोलो या शाम को बोलो तो सेम ही रूटीन रहता है। कुछ टाइम तो ऐसा होता है कि काम ज़्यादा हो जाता है और कुछ टाइम ऐसा होता है कि काम और भी ज़्यादा हो जाता है, पर कम तो बहुत ही कम होता है। तो चलिए, यहाँ पर देखिए सब्जी भी बन गई है और इसके अंदर है ना, मैंने वही वाला बड़ी डाला था। तो ये सब्जी है ना, मेरे भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मम्मी और मेरे लिए, उसके लिए है ना, बस तरी और ये सब्जी उठा के दे देते हैं हम लोग, और वो बड़ी है ना रख देते हैं, उसको नहीं देते। फिर यहाँ पर देखिए, कुकर में मैंने आलू उबाल लिया है। तो आज मैं आलू की कोई सब्जी नहीं बनाने वाली हूँ। क्या बनाने वाली हूँ वो आप लोग वीडियो में देखते रहिए, आप लोगों को भी पता लग जाएगा। तो यहाँ पर आलू उबलने के बाद ना, मैं एक थाली में इसको सूखने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि इसका पूरा जो भी पानी है ना, तो आलू के स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए और आलू एकदम सूख जाए, नहीं तो फिर ना वो पानी छोड़ता है आलू में से। इसी वजह से मैंने बस इसको खुला छोड़ दिया है। और इधर सब्जी भी लमसम बन गई है, तो इसको भी मैं बाहर निकाल लूँगी अब भगोने में। और इसके ऊपर है ना, मैंने हल्का सा जीरा पाउडर डाल दिया है, क्योंकि जीरा पाउडर से है ना, हमें लगता है हम लोगों के स्वाद के अनुसार कि स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा बन जाता है। पर बहुत से लोगों को नहीं पसंद है जीरा पाउडर, पर बहुत से लोगों को पसंद भी है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने डाल दिया है और ये देखिए सब्जी, तो बहुत ही टेस्टी सब्जी है। मम्मी और मेरा तो ऐसा सब्जी फेवरेट है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पर है ना, मुझे कुछ कुछ काम करना है, तो चलिए आप लोग भी वीडियो देखते रहिए, आप लोगों को भी पता चल जाएगा, बहुत सारा काम है। तो यहाँ पर ये सारे बर्तन तो मैं रख दूंगी। तो सब्जी में देखिए मैंने क्या क्या बनाया है। यहाँ पर है ना, मैंने सिंपली फ्राई कर लिया था, चावल बना लिया था मम्मी और मेरे लिए। और आज है ना, थोड़ा सा जल्दी ही काम पे लग गई थी, क्योंकि ना शाम को मेरे को बहुत सारा काम और भी था इसी वजह से। तो ये देखिए, सब्जी भी बन गई है। तो अभी है ना, लमसम सारा खाना शाम का जो भी है वो बन गया है, बस रोटी बाकी है, तो रोटी बनाऊंगी। तो रोटी बनाने से पहले ना, मैं यहाँ पर आलू का जो भी चीज़ बनाऊंगी वो आप लोगों को वीडियो में पता लगेगा, वीडियो देखते रहिए। तो उसी के लिए है ना, यहाँ पर मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आलू का देखिए, पानी एकदम सोख हो गया है, तो अब मैं आलू का जो भी स्किन है वो सारा सब कुछ निकाल लूँगी, छिलका, और बस एक कटोरे में मैं रख दूंगी इसको थोड़ी देर के लिए। और फिर जाके इसको है ना, मैं ऐसे घिसूंगी, क्योंकि मुझे बनाना है आज नमकीन। तो आलू के अंदर कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, इसीलिए मैं घिस ले रही हूँ। उबला हुआ तो है ही, पर उसको है ना, अगर हाथ से मिलाऊँ तो शायद उसमें थोड़े बहुत छोटे छोटे लम्स रह जाए, तो इसी वजह से इसको मैं घिस रही हूँ, ताकि बिल्कुल भी लम्स ना रहे। पराठे भी अगर ऐसे बनाओ तो एकदम पराठे के अंदर है ना, अच्छे से आलू पूरा फैल जाता है, तो घिसना मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं घिस रही हूँ, और यहाँ पर
देखिए पूरा हो गया है। अब इसके अंदर मसाले मिलाने की देरी है, तो यहाँ पर है ना मैं 4 चम्मच इसमें बेसन मिलाऊंगी नमकीन बनाने के लिए, और फिर जाकर इसके अंदर मैं स्वाद अनुसार नमक, हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी। तो यहाँ पर है ना मैंने बहुत ही कम डाला है। फिर यहाँ पर मैं 2-3 चम्मच है ना इसके अंदर आमचूर पाउडर डालूंगी, तो ये बीकानेरी भुजिया वाला टाइप का स्वाद आएगा। मैं ऐसे ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ, हालांकि मैंने कभी भी नहीं बनाया है आज तक, मैंने बस मम्मी को हमेशा बनाते हुए देखा है। बचपन में मम्मी बनाती थी तो उसका प्रिपरेशन करके मैंने रख दिया है, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी। तो पापा को है ना भूख लग गई है क्योंकि उनको दवाई भी लेना है, तो इसी वजह से ना पापा को सबसे पहले मैं खाना दे दूँगी और फिर जाके और भी जो भी रोटी वोटी है वो बनाऊँगी। तो रोटी बनाते जा रही हूँ और पापा को पहले मैंने खाने के लिए दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए रोटियाँ बना लूँगी जल्दी जल्दी, ज़्यादा रोटी नहीं बनानी है क्योंकि 2 जने का रोटी है और हम दोनों तो चावल ही खाते हैं, तो इसी वजह से मुझे पर्सनली चावल ही ज़्यादा अच्छा लगता है। रोटी मुझे नहीं भी हो तो भी चलता है, पर चावल मुझे चाहिए। तो बहुत ही जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि ना मैं थोड़ा बहुत रात को अपना भी टाइम स्पेंड करती हूँ, और शाम को अगर मैं लेट हो जाती हूँ ना तो रात को बहुत जल्दी नींद आ जाती है इसी वजह से। और आजकल आप लोगों को तो दिख ही रहा है मेरी नींद की कमी की वजह से ना मेरे फेस पे बहुत सारे डॉट डॉट हो गए हैं और ये पिंपल्स वगैरह हो गए हैं, क्योंकि ना नींद पूरी नहीं होती है ना मेरे, तो ऐसा हो ही जाता है शुरू से ही है। तो यहाँ पर रोटी बनाने के बाद पापा और भैया को खिला दिए हैं और फिर जाके मैं और मम्मी हम दोनों आराम से खाने के लिए बैठ गए हैं। तो बाद बाकी जो भी काम है ना वो खाना खाने के बाद करूँगी, नहीं तो फिर खाना खाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी, फिर रात को खाने की इच्छा भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मम्मी और मैं आराम से चावल खा रहे हैं, थोड़ा ना जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ सारा काम, क्योंकि ना रात को मुझे जल्दी ही सो जाना है, फिर एडिटिंग वगैरह भी होता है और फिर जाके दिशानी का भी उठना, रोना धोना ये सब कुछ होता है, उसको दूध भी पिलाना पड़ता है रात को उठ के, तो इसी वजह से मेरी नींद नहीं पूरी हो पाती है बहुत दिनों से। तो ये है ना काम करने की वजह से नहीं, बस रात को क्या दिशानी को भी टाइम देना पड़ता है, फिर एडिटिंग भी करना पड़ता है, इसी कारण से मतलब नींद पूरी नहीं हो पाती है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ पूरी नींद लूँ। तो यहाँ पर देखिए आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पर आके मैं बना रही हूँ नमकीन। तो ये जो आप लोग नमकीन बनाने की मशीन देख रहे हो ना, ये बहुत पुराना मशीन है, जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, बहुत ही छोटी, दिशानी से थोड़ी सी बड़ी हुआ करती थी तब का है, और तब हम लोग बाहर रहते थे, यहाँ पे भी नहीं रहते थे, जैसे कि अभी हम लोग जहाँ पे रहते हैं पापा का घर जहाँ पे, यहाँ पे नहीं था, तब हम लोग रहते थे पंजाब, तो उस टाइम का है ये। तो उसी से मैं ट्राई कर रही हूँ, ये बीच में एक बार ख़राब भी हो गया था तो बहुत टाइम से बनाया नहीं, मम्मी ने भी नहीं बनाया था, तो आज मैं ट्राई कर रही हूँ। तो देखिए अच्छा ही बन रहा है, फर्स्ट बार में थोड़ा सा मतलब ज़्यादा फ्राई हो गया था, फ्लेम थोड़ा ज़्यादा था गैस का, तो इसी वजह से, तो अब अच्छे से बन रहा है। और मम्मी है ना दिशानी को लेके बैठी हुई है उस रूम में, क्योंकि ना दिशानी अभी तक सोई नहीं है, तो मैं अगर काम कर रही हूँ तो मम्मी को लेके बैठना पड़ेगा, और मम्मी अगर काम कर रही है तो मुझे लेके बैठना पड़ेगा। और यहाँ पर पास में खड़ा है मेरा भाई, क्योंकि नमकीन बन रहा है तो वो तो अभी कहीं जाने वाला है नहीं, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर देखिए ये है भजिया आलू वाला, तो 2 टाइप का नमकीन बनाने का आज सोचा है, तो देखती हूँ अगर हो सके तो दोनों टाइप का बनाऊँगी, नहीं तो फिर 1 टाइप का ही रहने दूँगी। और ये देखिए, ये देख रही है कार्टून, अभी भी इसका सोने का नाम नहीं है, रात हो गई है फिर भी। तो यहाँ पर देखिए ये है मशीन, तो ये जो मशीन है ना इसके अंदर डालना पड़ता है और फिर जाके इसको दबा के निकालना पड़ता है। अभी के टाइम पे तो बहुत अच्छा अच्छा ऐसे नमकीन बनाने की मशीन आ गई है, पर ये बहुत पुराना है, कम से कम 30 साल पुराना बोल सकती हूँ, 30 नहीं भी हो तो 25 साल पुराना तो हो ही गया होगा, हाँ 25 साल, 30 कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, तो 25 साल हो गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो नमकीन है ना अच्छे से बन गया है, और सच में बहुत टेस्टी बनी थी। मम्मी ने थोड़ा बहुत मुझे बता के दिया था, ऐसा नहीं है कि मैंने ही किया है, क्योंकि मम्मी को मैंने शुरू से देखा है बनाते हुए, तो चलिए इस बार मैंने भी बना लिया है, तो मतलब मैं एकदम सीख गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए नमकीन ऐसे करके मैंने सारे बना लिए हैं, और अभी मैं सोच रही हूँ दूसरा वाला नमकीन भी बनाऊँगी, तो उसके लिए भी मैं अच्छे से मतलब मैं बेसन वेसन को लगा के रखूँगी। तो यहाँ पर सबसे
पहले इस वाले को बना लेती हूँ, फिर उसका भी बेसन लगा के रखूंगी। तो यहाँ पर देखिए, तो ये तो बारीक बन रहा है, इसके अंदर है ना बहुत सारा मतलब प्लेट आई हुई है इस मशीन के अंदर। जिस भी साइज का बनाओगे साइज का प्लेट लगा लो और फिर जाके बना सकते हो। तो अभी देखिए यहाँ पर मैंने मोटा वाला बनाया है और इसी वाले बैटर से नहीं बनाया है, मैंने इसके लिए अलग से बेसन लगाया था। इसको इसके अंदर मैंने लहसुन वेसन डाल के बनाया है, तो इसको थोड़ा सा टाइट गूंदना था और मोटे वाले को, और इसके अंदर लहसुन और फिर जाके हल्दी नमक वही सारा सब कुछ, और फिर जाके इसके अंदर और भी कुछ डाला था, हाँ आमचूर पाउडर नहीं डाला था इसके अंदर। तो ऐसे करके इसको मैंने बना लिया। ये लहसुन वाला मोटा नमकीन है, तो ये भी बहुत अच्छा, और सबसे ज़्यादा यही वाला मोटा वाला ज़्यादा टेस्टी बना था, और ये बारीक वाला ठीक ठाक बना था पर एकदम मार्केट जैसा बिल्कुल नहीं बना था, पर अच्छा बना था। तो अभी कल पता चलेगा कैसा लगा, अभी हाथों हाथ बनाने के बाद है ना स्वाद का भी पता नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए अब बारी है गैस फ्लोर साफ़ करने का। तो कितना भी रात क्यों ना हो जाए, ये काम तो मैं करके ही सोती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सुबह उठ के अगर गंदा ऐसा किचन दिखे ना तो उसमें काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, और ऐसा लगता है अब फिर से किचन साफ़ करके फिर काम शुरू करना पड़ेगा। और किचन अगर साफ़ होना तो सुबह आते से ही किचन में मूड भी फ्रेश हो जाती है कि किचन पूरा साफ है। तो चलिए यहाँ पर किचन तो मैंने कर दिया है पूरा क्लीन। तो पहले जो खाना वाना खाए थे ना वो वाला बर्तन तो मैंने पहले ही धो लिया था, फिर यहाँ पर जो भी नमकीन वमकीन के बर्तन हुए थे वही मैं धो रही हूँ। तो बस ये थोड़े से बर्तन बाकी थे तो इसको भी धो के ही सोऊंगी। और मम्मी तो सो गई है और दिशानी भी सो गई है, बस अभी घर में मैं अकेली ही जग रही हूँ। तो यहाँ पर और मम्मी से ना आजकल इतने काम हो नहीं पाते हैं सच बोलूँ तो, क्योंकि मम्मी पूरा दिन ही करती है, जो काम मैं नहीं कर सकती वो मम्मी कर लेती है। तो यहाँ पर देखिए बर्तन वर्तन तो सारे धुल गए हैं, अब मैं सिंक को भी अच्छे से धो लूँगी और फिर जाके अपना जो भी है फेस वेश क्लीन करना वो सब कुछ करूँगी। तो यहाँ पर सारे बर्तन धुल गए तो अब जाके कहीं मुझे सुकून मिल रहा है। कितनी भी रात हो पर मैं ये सारा काम तो करके ही रखती हूँ बिल्कुल, जब तक मेरी तबीयत सही हो ना तब तक तो मैं करके रख ही देती हूँ। और अगर किसी दिन तबीयत ख़राब हो तो वो बात अलग है, लेकिन अगर तबीयत सही हो तो मैं ये सब काम बिल्कुल कल के लिए नहीं छोड़ती हूँ। और अच्छा भी नहीं लगता है, बदबू आती है किचन से फिर। तो यहाँ पर अब इसको भी मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के धो दूँगी साबुन से, तो ये एकदम चमकने लग जाएगा। और फिर साबुन जिस बर्तन में मैं रखती हूँ ना उसको भी अच्छे से धो लेती हूँ, और बर्तन घिसने वाले को भी मैं अच्छे से मतलब धो के फिर रख देती हूँ ताकि इसमें से बदबू ना आए। इसको अगर अच्छे से धो के नहीं रखते हैं ना तो इसमें से बदबू आने लग जाती है। फिर देखिए यहाँ पर मैं आ गई हूँ हॉल में, तो यहाँ पर है ना ये सारा सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा हुआ था, तो इन सब चीज़ों को मैं समटा के फिर जाके अपना जो भी है वो करूँगी। तो ये सब कुछ है ना मैं रात को समटा के ही रख देती हूँ, ऐसा फैलावाड़ी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो इसी वजह से। पर ऐसा नहीं है कि इस घर में कोई आता जाता नहीं है, जो चीज़ मैं जहाँ पे रखूँगी वहीं पे रहेगा, इतने लोग आते जाते रहते हैं, बच्चे भी हैं और भैया पापा मम्मी मैं और सब लोग आते हैं आसपास, सारे भाई बहनें सब लोग आते हैं। तो ये तो संभव नहीं है कि जो चीज़ मैं जहाँ पे रखूँगी पूरा दिन वहीं पे रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इसी वजह से ना पूरा बिखर ही जाता है, कितना भी समटा लूँ रोज़ का सेम ही काम करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैं हाथ पैर मुँह धो के आ गई हूँ। अब मैं नाइट में तो ऐसा कुछ क्रीम है नहीं जो मैं लगाती हूँ, बस वही है दिन में मैं 10 बार है ना हाथ धो के ये लोशन लगा लेती हूँ, तो वही मैं लगाती हूँ हाथ में पैर में जो भी, तो यही वाला लोशन मैं लगा लेती हूँ, ये निविया का है। तो मैं ना दिन में जितने बार भी हाथ धोती हूँ ना उतने बार ही आके ये लोशन हाथ में लगाती हूँ। और हाथ धोना और ये लोशन लगाना ना मुझे ऐसा लगता है मैं दिन में 10 से 15-14 बार तो कर ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे है ना आदत हो गई है इस चीज़ की। तो देखिए मम्मी और दिशानी तो सो गई है, अब मैं अच्छे से बालों को बांध के सोने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर देखिए अब जाके मुझे कहीं फ्रेशनेस लग रहा है अच्छे से। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।